आई एम स्टूडेंट्स और आई एम इंस्टीट्यूट से जब भी ये बात सामने आती है, जब ये शब्द सामने आता है, तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वहाँ से निकलने वाला जो स्टूडेंट होता है वो कुछ अलग थॉट रखता है, कुछ अलग सोच रखता है। इस वक्त चंद्र गोयल हमारे साथ में हैं, जिन्होंने 28 मार्च को जो कन्वोकेशन हुआ है, जो दीक्षांत समारोह हुआ है, उसमें डिग्री प्राप्त की और बहुत अच्छे मार्क्स से प्राप्त की है। खास बात यह है कि चंद्र इंदौर से हैं और इस वक्त ग्लोबल हेराल्ड डॉट न्यूज़ के साथ में। चंद्र, स्वागत है आपका स्टूडियो में, और हम जानना तो निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि जो आपका अचीवमेंट्स है उसके पीछे आप किसे क्रेडिट देते हैं? आपकी मेहनत है, आपका कोई पारिवारिक कल्चर है, आपके फ्रेंड सर्कल है, या आपकी फैकल्टीज है? नहीं, वैसे आप देखेंगे तो मैं श्रेय पूरी सारी सक्सेस का, मेरे पूरे 5 साल का अपने अराउंड सभी हर एक व्यक्ति को ही देना चाहूँगा। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपकी स्कूलिंग वो कराते हैं, वो पूरे टाइम आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं। बट जैसे ही आप एक आई एम में चले जाते हैं और अगर आप वहाँ 5 साल रहते हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, आपकी फैकल्टी हैं, आपके दोस्त हैं, वही आपकी ज़िंदगी बन जाते हैं, और वही आपको रोज़ आपको धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप बहुत गलतियाँ भी करते हैं, आप उन गलतियों से सीखते हैं, आपको गलतियाँ दोहराते हैं और फिर उनसे सीखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सब कुछ पॉजिटिव रहा आपके लिए। और सभी एक रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। ऑफ कोर्स आपका भी बहुत बड़ा मतलब अपना खुद का भी रोल होता है, रिफ्लेक्ट करें, आप अपनी गलतियों से सीखें, आप और सुधार करें और आगे बढ़ें। जी चंद्र, एक और प्रश्न दिमाग में जहन में आ रहा है। अक्सर होता ये कि जो मीडियम क्लास फैमिली का बच्चा होता है वो स्ट्रगल ज़्यादा करता है, ज़्यादा अचीवमेंट करता है, लेकिन चूंकि आप तो एक संपन्न परिवार से रहे, आप इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार से रहे, उसके बाद में भी आपने मेहनत की, तो क्या विज़न था, क्या सोच थी आपकी? सब कुछ तो था, लेकिन फिर क्यों करना है? देखिए, अब बात ये होती है कि जो आपके पास है आप हमेशा उससे ज़्यादा मतलब वापस देना चाहते हैं। अगर आज मैं एक अच्छे परिवार से आ रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि और 100 लोगों को मैं ये सुख दे पाऊँ, आगे बढ़ा पाऊँ, और यही हमें शिक्षा से सिखाया भी जाता है। और जहाँ हम बात करें हम आयन्स की, तो हमें 5 साल में हम इतने व्यक्तियों से मिलते हैं, इतने टॉक्स होते हैं, इतना प्रोत्साहन हमें दिया जाता है कि हमें कुछ सोसाइटी को ही वापस दें। बिकॉज जिस स्टेज पे अभी भारत है, हम जैसे ही लोग, हम जैसे ही लीडर्स, हम जैसे ही मैनेजर्स की ज़रूरत है, ताकि एक भारत एक महान देश बने और महारतें हासिल करें। तो इस चीज़ के लिए मतलब मेरा ये और मेरे सारी बैच का और इन जनरल आई एम में जो भी हमें पढ़ाते हैं, उन सबका यही मानना है कि तुम्हें अपनी खुशी तो मिल ही जाएगी, वो हम ढूंढ ही लेंगे। हम इतने काबिल बना दिया है हमें आई एम ने, पर हम इतने भी काबिल हैं कि हम 100 लोगों की खुशियों पे वर्क कर पाए। तो वैसे ही मेरा भी एक मानना है कि मैं आगे जाके कुछ ऐसा करूँ कि जिसमें भले मेरा तो उद्धार हो ही, बट ऐसा कुछ एक छोटा सा आइडिया पे वर्क करो। आजकल स्टार्टअप कल्चर का काफी हो रहा है, ऐसा ही कुछ। बहुत अच्छी बात है चंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप आई आई एम के बाद में अब क्या कुछ आप अपने जॉब के अलावा, अपने करियर के अलावा ऐसा कुछ करना चाहेंगे, जैसा आपने अभी कहा कि समाज को आप कुछ दे पाएं, क्या कुछ सोचा है कि आप उस सुविधा में भी काम करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब अभी तो फिलहाल मेरा यही उद्देश्य है कि मैं इंडस्ट्री में जाऊँ। मेरा थोड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है अभी, तो मैं उसी में थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बट डेफिनेटली लॉन्ग रन में मेरा यही मन है और मेरा यही मेरी चाह है कि मैं कुछ अपना शुरू करूँ, और कुछ जैसे मैंने आपको बोला कि मैं कुछ एक ऐसे आइडिया पे वर्क करूँ जिससे सबकी, निश्चित रूप से सबका अचीवमेंट हो, सबको कुछ बेनिफिट हो। चंद्र, एक प्रश्न और है कि आई आई एम में पढ़ते हुए पिछले 5 साल में आपने पढ़ाई की, क्या राजनीति पर कुछ फोकस किया जाता है? क्या आपको राजनीति पढ़ाई जाती है? आप जो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो है राजनीति का, उसको लेकर क्या कोई थॉट आपका बना है कि राजनीति में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए या नेगेटिव चीज़ें हैं, या कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नहीं, अब जब बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर ये सारे डोमेन्स आते ही हैं, और मतलब मैनेजमेंट और प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, हर मतलब हर चीज़ में रिक्वायर्ड है। तो डेफिनेटली मतलब राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको अफेक्ट करती है, और हम पूरे देश को, पूरे स्टेट को, पूरे दुनिया को अफेक्ट करती है। तो जेन्युइन डेफिनेटली ये पढ़ाई जाती है हमको, इसके नैतिकता भी पढ़ाई जाती है कि कैसे हमें
ये कदम आप लेंगे तो आप सामने वाला क्या कदम लेगा, हमें जिसे एचआर कहते हैं, एचआर पढ़ाया जाता है, पीपल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे इश्यूज डेली बेसिस पे एक मैनेजर को फेस करना पड़ते हैं, तो डेफिनेटली राजनीति काफी उसमें भी आती है। फिर हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है और इनकी छोटी छोटी डिटेल्स, ताकि आज हम बाहर जाएंगे तो हम एक एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट में तो वर्क नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये रोल यही सब कुछ रहेगा। जी हाँ, तो प्रेजेंट जो सिनेरियो है, मैं मेरा प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रेजेंट राजनीति है हिंदुस्तान की या दुनिया की राजनीति है, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे देश की राजनीति को, तो आप इसे कहाँ पाते हैं? वेल, मैं कहूँगा कि आज जहाँ हम हैं हम उससे बहुत बेहतर हो सकते हैं, पर जहाँ हम कल थे उससे हम बहुत बेहतर हैं, तो यह सुधार हो रहा है जी। और मैं एक आई एम का ग्रेजुएट होके यही आशा करता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और मुझे इस बात की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि मैं 100 लोगों को कल अपॉर्चुनिटी दे पाऊँ। चंद्र, आप हमारे बीच में आए और हमारे दर्शकों से बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा। ख़ास बात यह कि चंद्र गोयल एक संपन्न परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने पूरे 5 साल एक सामान्य स्टूडेंट की तरह मेहनत की और अच्छे गोल अचीव किए। और अब जो ख़ास बात वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहते, आईएम खुद तो काबिल बना ही देता है, लेकिन आईएम ये भी कहता है कि हम 50,000 लोगों को और काबिल बना पाएँ, यही हमारी सार्थकता होगी। कबल हलाल डॉट न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।